हेलो हेलो, नमस्कार आदब, खमा घड़ी वड़कम एंड सस्त्री अकाल। मैं रेखा आप सभी का स्वागत करती हूँ आज के अपने न्यू ब्लॉग में। तो चलिए बने रहिएगा ब्लॉग में एंड तक। और अभी इवनिंग का टाइम हो रहा है और आज मैं इवनिंग से ब्लॉग शूट कर रही हूँ। तो चलिए अभी ब्लॉग को करते हैं शुरू आप सबकी गॉड विशेज के साथ। तो मैंने यहाँ की चादर चेंज कर दी है क्योंकि यहाँ से 3-4 दिन में चादर से बिछाती हूँ बेड पे, उसके बाद मुझे धुलनी पड़ती है क्योंकि मेरा बाबू है ना अभी थोड़ा छोटा है और सारा टाइम मैं उसे डायपर में रख नहीं सकती, तो कभी कभार सुसू कर देता है। वैसे वो अभी कहने लग गया है, थोड़ा थोड़ा कह देता है लेकिन कभी कभार नहीं कह पाता है, अभी छोटा है। और अभी देखिए शाम के 6:30 बज रहे थे। तो चलिए ब्लॉग को शुरू करते हैं आप सबकी गॉड विशेज के साथ, बहुत ही पॉजिटिव थिंकिंग के साथ। तो अभी त्योहारों का सीज़न है और मैं अभी यहाँ पे देखिए पुरानी साड़ी लेके बैठी हुई हूँ। और मैं क्या कर रही हूँ, तो ये भी मैं त्यौहार की ही तैयारी कर रही हूँ। तो चलिए बता देती हूँ आपको क्या कर रही हूँ, नहीं तो आप लोग सोचोगे कि पुरानी साड़ी से और नए त्यौहार पर क्या यूज़ होता है। तो ये साड़ी मैं पहनती नहीं हूँ, तो इसके ना जो बॉर्डर पे है कांच लगे हुए हैं छोटे छोटे, बस वही मैं निकाल रही हूँ। तो इन कांचों को मैं यूज़ करूँगी अपने डेकोरेशन के काम के लिए। तो चलिए वो भी मैं बाद में आपको बताऊँगी, उससे पहले मैं दिखा देती हूँ यहाँ का नज़ारा। यहाँ पे मैंने लगा रखी है मशीन और देखिए शाम के 6:30 बज रहे हैं और इधर मशीन में कपड़े धुल रहे हैं। जी हाँ, क्योंकि मुझे सुबह को सुबह ही डालने होते हैं और सुबह को मशीन लगाने का टाइम होता नहीं है क्योंकि बाबू परेशान करता है। तो मैं इवनिंग में ही जो कपड़े होते हैं ना, कभी बार में ज़्यादातर इवनिंग में ही धोती हूँ वैसे तो, और बस कपड़े धुल जाएंगे मेरे, उसके बाद ही मैं आप सबको दिखाऊंगी कि मैं उस साड़ी का क्या कर रही थी। ये देखिए मैं आ गई हूँ यहीं पे फिर से और मैं यहाँ कुछ बना रही हूँ ये कलश। तो आज मैं अपने हाथों से ही कलश बनाऊंगी इस दिवाली के लिए। और पहले तो मैं क्या होता था, रेडीमेड मंगवा लेती थी, पर रेडीमेड क्या होता है 100 रुपये, 200 रुपये, 300 रुपये ऐसे, मतलब अब तो इनके रेट है ना बस आसमान को छू रहे हैं। तो मैंने सोचा क्यों ना जो मेरे पास सामान बचा हुआ है थोड़ा सा, उसी सामान से मैं 2-3 कलश भी बना लेती हूँ। तो बस ये जो कांच देखिए मैंने साड़ी पे से निकाले थे ना, वो मैंने इस पर इस तरह से लगा दिए हैं और सेम ये लेस मैंने उसी तरह लगाई है, पीछे से टेप से चिपका दी है ये, और क्योंकि ये गौन से चिपक नहीं रही थी। और अगर आप सबको ये जानना है कि ये कलश मैंने किस तरह से बनाया है, मतलब ये किस गत्ते का बनाया है, तो आप मेरा कल का ब्लॉग देख लीजिए, उसमें आसानी से आपको पता चल जाएगा। मैंने ये सिर्फ साड़ी के गत्ते का बनाया है और ऊपर से मैंने ब्लैंक पेपर इस पर चिपका दिया है गोंद की सहायता से। और फिर देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है ये, मुझे तो बहुत ही अच्छा लग रहा है। तो क्या होता है ना, कुछ छोटी मोटी चीज़ों से जोड़ तोड़ करके ना एक हम बहुत ही अच्छा लुक दे देते हैं चीज़ों को, तो बहुत ही अच्छा लगता है और हमें कहीं ना कहीं अपने आप पे प्राउड फील भी होता है। भाई मुझे तो बहुत होता है, आप सबको होता हो या ना होता हो, पर मैं जब कोई नया मतलब कोई भी चीज़ ट्राई करती हूँ और उसमें मैं सक्सेस हो जाती हूँ तो मैं अपने आप को बहुत ही ज़्यादा शाबाशी देती हूँ। तो सबसे पहले हमें क्या होता है ना, अपने आप को शाबाशी देना बहुत ज़रूरी होता है, बाद में हमें किसी और से एक्सपेक्टेशन करनी चाहिए कि कोई हमें शाबाशी दे या ना दे, उससे फिर हमें कोई फ़र्क भी नहीं पड़ता है क्योंकि हम अपने आप को शाबाशी देते हैं तो उससे ही बस हमारा काम चल जाता है। तो चलिए अभी इसको मैं दोनों साइड से देखिए चिपका ले रही हूँ, बड़ी वाली जो लेस मैंने ली है, और ये देखिए ऐसे अच्छे से मजबूती से अगर हम इसको चिपका लेंगे तो ये काफ़ी टाइम चल जाएंगे। और उसके बाद देखिए ऊपर से एक पतली सी लेस मैं और लगाऊंगी क्योंकि ये जो है ना, ये बड़ी वाली जो लेस है वो मैंने जब निकाली थी तो इसके ऊपर से जो है इसकी जो बॉर्डर था वो हट गया था, जिसकी वजह से ये रेसे निकल रहे हैं, तो मुझे पतली वाली लेस भी इस पर लगानी पड़ेगी। ऊपर वाला हिस्सा है इस पर देखिए मैंने राउंड शेप में इस तरह से डिज़ाइंस बना दिया है थोड़ा सा ऐसे ही बस। और उसके बाद इसमें मैं लगाऊंगी कांच,
तो कांच भी बहुत खूबसूरत लग रहा था। पहले तो मैंने सोचा था कि मैं इसमें सिर्फ कलर भर दूंगी, लेकिन जब मैंने इसमें कांच लगा के देखा तो बहुत सुंदर लग रहा था। और बस ऐसे ही मतलब अपने थोड़ा सा सूझबूझ से ही बना लेते हैं ना चीज़ों को, और फिर इतना सब तो सबको ही आता होगा। और अगर किसी के पास जैसे पुराने मोती सितारे बाकी जैसे कपड़े होते हैं हमारे पुराने सूट वगैरह होते हैं, उनमें काफ़ी सारी हमें चीज़ें ऐसी मिल जाती हैं जो हम ऐसी चीज़ों को बना सकते हैं। तो बस घर की ही चीज़ों से मैंने ले ली हैं, सारी चीज़ें घर की हैं, कोई चीज़ भी मैंने मतलब ये मंगवाई नहीं है, सभी चीज़ें घर में अवेलेबल हो जाती हैं सभी के। तो आज जो है ना, कल तो मुझे बहुत ज़्यादा टाइम लग गया था डेकोरेशन में, लेकिन आज मेरा काम बहुत ही झटपट से हो गया। और देखिए कितना खूबसूरत लग रहा है, यहाँ पे मैंने पेंट कर दिया था पानी वाला और ये बहुत ही खूबसूरत दिख रहा था। और बाकी आपको आगे जब मैं दिवाली की डेकोरेशन करूँगी तब मैं आपको दिखाऊँगी। तो चलिए इसका दिखा देती हूँ आपको फाइनल लुक। और ये देखिए मैंने दो कलश बना लिए हैं अपनी मेहनत से, बहुत ही अच्छे से, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही प्यारे डिज़ाइंस लग रहे हैं। और आप सबको कैसे लग रहे हैं बिल्कुल भी मुझे कॉमेंट करना बिल्कुल मत भूलना गाइस, क्योंकि आप सबकी कमेंटों का मुझे बहुत ही बेसब्री से रहता है इंतज़ार, और आपकी प्यारी प्यारी कमेंट पढ़ के मुझे बहुत खुशी होती है। तो चलिए अभी कलश तो मेरे हो गए हैं तैयार, तो दिवाली की लगभग लगभग सारी तैयारियां मेरी हो ही चुकी हैं। और फिर था ये मॉर्निंग का व्यू, और मॉर्निंग में आज मैं बना रही हूँ बहुत ही दिनों के बाद एक बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी। तो मैं बता देती हूँ मैंने क्या क्या लिया है। तो मैं बना रही हूँ आज सिंगाड़े की रेसिपी। सिंगाड़े की सब्ज़ी मतलब बहुत कम लोग खाते हैं, तो चलिए आज मैं बताती हूँ आप सभी को किस तरह से आप सिंगाड़े की सब्ज़ी को ऐसे बनाएं कि सबकी फेवरेट बन जाए। भाई मेरी तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है। तो मैंने सिंगाड़ों को छील लिया है, बारीक बारीक कट कर लिया है, उसके बाद आलू को कट करके पानी में डाल दिया है, और यहाँ पे लहसुन अदरक को भी मैंने अच्छे से ग्राइंड कर लिया है, उसके बाद प्याज को ग्राइंड कर लिया है, और यहाँ पे मेरे नटकट सो रहे हैं। और चलिए अभी बनाते हैं रेसिपी को, उसके बाद आप सबसे मिलते हैं। और बहुत ही दिनों के बाद आज मैं रेसिपी बना रही हूँ, तो सिंगाड़े की जो रेसिपी है फर्स्ट टाइम मैं अपने चूल्हे पर बना रही हूँ इस तरह से। तो चलिए सबसे पहले मैंने हींग जीरा डाल लिया है ऑयल में, और ये सब्ज़ी ना आप सरसों के ऑयल में बनाएंगे तो बहुत ही मज़ेदार बनती है। तो यहाँ पे अभी टाइम हो रहा था 10:30 बज रहे थे, तो हम लोगों ने सुबह चाय पी ली थी और रस वगैरह खा लिए थे। तो जिस दिन मैं ब्रेकफास्ट नहीं बनाती हूँ उस दिन मैं सिर्फ अपने खाने की मतलब जब मैं खाना बनाती हूँ तब से ब्लॉग स्टार्ट करती हूँ। तो पहले तो मैंने सोचा था कि ये वाला ब्लॉग मेरा कल जाएगा, पर इतना ब्लॉग मेरे पास था नहीं, तो मैंने फिर सोचा कि चलो सब रेसिपी ही बना देती हूँ आप सभी को, सिंगाड़े की रेसिपी बनाकर दिखा देती हूँ मैं किस तरह से बनाती हूँ, आप सबको बहुत ही ज़्यादा फ़ायदा होगा और उधर फिर आपको देखने भी मिल जाएगी। तो मेरे ब्लॉग में आप सबको रेसिपी ज़रूर मिलती है देखने, बहुत कम ब्लॉग ऐसे होते हैं जिस ब्लॉग में मैं रेसिपी शेयर नहीं कर पाती हूँ। पूरी कोशिश रहती है मेरी कि जो मेरे चैनल का नाम है उसी के अकॉर्डिंग मैं अपने ब्लॉग लेकर आऊँ। तो यहाँ पर देखिए ब्लॉगिंग भी हो गई थी और थोड़ा सा अपना काम भी हो गया था, और उसके बाद यहाँ किचन की रेसिपी भी बन रही थी। तो मैं यहाँ सबसे पहले तड़का भून लेती हूँ, लहसुन अदरक को मैंने अच्छे से ब्राउन कर लिया है। तो मैं खाना बनाती हूँ ना तो बाबू मुझे अक्सर आवाज़ देता है, या फिर जैसे मैं ब्लॉगिंग वगैरह करती हूँ या ब्लॉगिंग के लिए शूट वगैरह कुछ भी करती हूँ ना तो बाबू मुझे मतलब अक्सर ज़्यादा ही परेशान करता है। तो अभी भी वो मुझे आवाज़ दे रहा था तो मैंने थोड़ा सा उसको अभी कर दिया है बिज़ी। तब तक जल्दी झटपट से बना लेते हैं खाना। और यहाँ पर मैंने टमाटर को डाल दिया है, लहसुन प्याज को अच्छे से भून लिया है, रेड ब्राउन भुना है, बिल्कुल काला नहीं किया है, और अच्छे स्टेज पर भुना है। उसके बाद देखिए टमाटर को भी मैंने बहुत ही अच्छी तरीके से भून लिया। टमाटर को ना मसाले को आप पीसिए मत, अगर आप पिसा हुआ पसंद करते हैं तो पीस लीजिए, बाकी मुझे थोड़ा सा मोटा मसाला ही पसंद आता है, और हस्बैंड जी को भी ये मसाला बहुत पसंद आता है। उसके बाद मैंने इस पे डाल दिए सूखे मसाले, रेड चिली पाउडर, हल्दी पाउडर, धनिया पाउडर, और डाला है इसमें थोड़ा सा मैंने गर्म मसाला। उसके बाद ही एक कटोरी पानी डाल दिया है और इनको अच्छे से मैंने पका लिया है धीमी धीमी आँच पर। उसके बाद मैंने इसमें सॉल्ट ऐड कर दिया है, और सॉल्ट में मैं दोनों ही सॉल्ट डाल रही हूँ इसमें, ब्लैक सॉल्ट भी और वाइट सॉल्ट भी, क्योंकि ब्लैक सॉल्ट का एक बहुत ही बड़ा रोल होता है, हमारी कोई भी रेसिपी होती है ना उसमें ब्लैक सॉल्ट का बहुत बड़ा रोल होता है, जो टेस्ट होता है ना वो 4 गुना बढ़ जाता है रेसिपी का। और यहाँ पे मैंने जो सिंगाड़े हैं और आलू हैं उनको भी देखिए ऐड कर दिया है,
और दोनों को अच्छे से अभी मैं मिक्स कर लूँगी और बहुत ही पेशेंस के साथ इन्हें पकाऊँगी 5 मिनट तक, ताकि जो आलू है और सिंघाड़ा है वो एकदम अच्छे से मसाले में मैश हो जाए और बहुत ही अच्छा एक लुक ले ले, एकदम भुना हुआ सा और एकदम ऑयल छोड़ा हुआ सा लगे। तो देखिए बहुत ही बढ़िया तरीके से मैं इसको भून ले रही हूँ फटाफट से। तो चलिए अब जल्दी से, आप इतने भून रही है सब्जी, जल्दी से चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिए। तो आज के ब्लॉग में मैंने ना एक चीज़ मिस कर दी, और क्या मिस कर दी वो मैं बता देती हूँ शुरू में। मतलब मैं बोलती हूँ ना कि जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं उनका दिल से स्वागत है, तो सॉरी आप सभी के लिए मैं थोड़ा सा भूल गई थी आपको जो भी मेरे चैनल पर नए हैं उनके लिए स्वागत करना। तो चलिए अब बोल देती हूँ, तो चलिए जो भी मेरे चैनल पर नए आते हैं उनका दिल से स्वागत है। तो प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें, जिससे मेरे आने वाली वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। और यहाँ पे मज़ेदार रेसिपी बनकर है रेडी सिंघाड़े की, बहुत ही बढ़िया लुक है इसका, बहुत ही बढ़िया लग रही थी, और ये सिर्फ लुक नहीं खाने में भी बहुत टेस्टी लगी थी। तो चलिए थोड़ा सा अभी मैं इसको सर्व करूँगी। और मैंने आज रोटियाँ नहीं बनाई हैं, मैंने गर्मा गर्म बनाए हैं इसके साथ राइस, तो ये राइस के साथ बहुत ही टेस्टी लगती है। और सिंघाड़ा अगर आप पका हुआ लेंगे तो सब्ज़ी और ज़्यादा टेस्टी बनेगी, बहुत ही बढ़िया लगती है, और ये हेल्दी भी होते हैं खाने में। तो चावल भी बनकर रेडी हैं गर्मा गर्म बिल्कुल। और चलिए अभी मैं थोड़े से कर लेती हूँ सर्व, क्योंकि हमारे नटखट अभी नहा धोकर आ गए हैं अच्छे से, मैंने उनको निला दिया है गर्मा गर्म पानी में, तो मैंने सोचा थोड़ा सा मैं उसको फूड खिला देती हूँ, खा के ना वो सो जाएगा तो वो अच्छी नींद ले लेता है। बच्चे का अगर पेट भरा हुआ हो तो बच्चा 2-4 घंटे आराम से सो जाता है, और बच्चों छोटे बच्चों का ना सोना बहुत ज़रूरी होता है, नहीं तो वो माइंड से बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं। तो चलिए अभी मैं जाती हूँ उसे खिलाने, और तब तक आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, और मैं चलती हूँ अब अपने नेक्स्ट ब्लॉग की तैयारी में। और प्लीज़ ये ब्लॉग अगर आप सबको अच्छा लगा है तो एक लाइक ज़रूर करके जाइएगा, और मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा मेरा ब्लॉग आप सबको कैसे लगते हैं। तो चलिए मिलूँगी आप सबसे कल के ब्लॉग में, खुश रहिए मस्त रहिए, दिवाली की तैयारियाँ करते रहिए, और प्लीज़ प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाय बाय।